हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीटा अरोरा रेसिपीज चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पूड़ी, जिसे आप नाश्ते में खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1/4 कप उड़द धुली दाल ली है। ये इस तरह से सफ़ेद रंग की होती है। हम इसे पहले 2 बार अच्छे से धो लेंगे। हमने इसे 2 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल करके 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। और ये देखिए, ये 4 से 5 घंटे अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए हमने 2 से 3 चम्मच पानी डाला है। और ये देखिए, दाल को हमने बहुत अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसे इस बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर आप फिंगर में इस तरह से करेंगे तो आपको हल्का सा दाना फील होता है, क्योंकि इसमें हल्का सा दाना फिर भी रह जाता है, आप इसे कितना भी पीसेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप बेसन, 1/4 कप गेहूं का आटा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, 5 से 6 सूखे करी पत्ता है मेरे पास, जो मैं इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश काट के डाल दें। आधी छोटी चम्मच अमचूर का पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ अदरक का पेस्ट डाल दें। 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये अभी काफ़ी सॉफ्ट है, तो हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप बेसन और 1/4 कप गेहूं का आटा और डाल देंगे और इसको अच्छे से मल लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मलते हुए हम बिल्कुल आटे को एकदम चिकना कर लेंगे। और ये देखिए, आटा हमने अच्छे से चिकना कर लिया है। अब हम इसे ढक कर के 10 मिनट के लिए रख देंगे। और 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे में से छोटी सी लोई तोड़ेंगे और इसको बेलकर हम पूड़ी तैयार कर लेंगे। पूड़ी हम थोड़ी सी मोटी रखेंगे। ऑयल हमने पहले ही अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके पूड़ी फ्राई कर लेंगे। हम पूड़ी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है, तो अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और बाकी की पूड़ियाँ भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए, हमने कुछ मसाला पूड़ी तैयार कर ली हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। मेरे पास आज चने की सब्ज़ी है, तो मैं इसे चने की सब्ज़ी के साथ सर्व कर रही हूँ। वैसे आप इसे खाली दही या अचार के साथ या फिर सिर्फ चाय के साथ भी आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और चटपटी है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल रीटा अरोरा रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और पास ही लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।